हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग ऑफ अ ग्लू गन। ये ग्लू गन मैंने अमेजोन से मंगाई है, जो वाकई में इसके रिव्यूज मैंने पढ़े थे बहुत अच्छे हैं। इवन मेरी फ्रेंड ने इसे यूज किया, उसने भी काफी अच्छा इसके बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि इसे आप लोग के साथ शेयर करूं। और उसके बाद जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू यूज दिस ग्लू गन, और इसे हम अपने बच्चों के लिए स्कूल के उनके प्रोजेक्ट्स में, इवन घर में क्राफ्ट में कितनी सारी नई चीजें जो हैं बना सकते हैं डे टू डे लाइफ में। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं कि कैसी है ये ग्लू गन। वाओ, आई थिंक इट्स का जो कलर मैंने ऑर्डर किया था वो येलो कलर था। अब देखते हैं कि ये किस कलर की निकलती है। ओ, दिस इज ऑफ ब्लैक कलर। मतलब मैंने जो देखी थी उस पर वो ब्लैक कलर की थी, बट इट इज ऑफ सॉरी येलो कलर की थी, बट नाउ इट इज ऑफ ब्लैक कलर। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूं। और इसके साथ मुझे हाउ मेनी ग्लू स्टिक्स, 1, 2, 3, 8 ग्लू स्टिक्स इसके साथ मुझे फ्री मिली हैं, जो कि वाकई में अमेजिंग है। 279 पर मार्केट में मैंने कई बार ट्राई किया है। और ये है हमारी ग्लूगन, कितने वॉट की है ये, 40 वॉट की ग्लूगन है। 40 वॉट की ग्लूगन के साथ हमें 8 स्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिली है। चलिए फटाफट इसे ओपन करके देखते हैं और क्या है इसमें। वाओ, इट्स सो हैंडी आई थिंक। और मुझे लग रहा है कि ये हाफ ग्लू स्टिक जो है इसके साथ और एक्स्ट्रा मिली है, तो इट मींस हमारे पास 8.5 ग्लू स्टिक्स जो हैं वो हमें 8.5 ग्लू स्टिक्स इसके साथ बिल्कुल फ्री मिली हैं। 40 वॉट की है। इसका मैं आपको यूसेज जो है वो बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से इसे हम लोग यूज करके कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स जो है किस तरीके से इसे बन सकते हैं। ये इसका बटन है, ये इसके साथ इसका हैंडल है जिसे इसे लगाकर हम इसे यूज करते हैं। ये सेफ्टी नॉट है, इसके साथ इसे हैंडल को यूज करने से ये किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्ट जो है वो टच में नहीं आती, और बहुत सेफली हम इसे यूज कर सकते हैं। तरीके से हम इसे लगा लेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से इसे यूज करने के बाद जब ये गर्म होती है तो इसे हम रख सकते हैं। इसके अंदर यहां से बैक साइड से जो स्टिक है उसे डाला जाता है, और एक बार अगर इसमें स्टिक जो लगा दी जाती है वो पूरी यूज होने के बाद ही स्टिक जो है वो निकल सकती है। यहां से इसे प्रेस करते जाइए और प्लग लगाइए और इसे फटाफट यूज करते जाइए और मन चाहे चीजें बना लीजिए।